रहा है अभिषेक जी? हम मुंह बहुत खोल खोल के खाते हैं ना। अच्छा हाँ। तो लाज लग रहा है? अच्छा, का इतना खातिरदारी के गूगल मैप पे आप लोग का गांव ही नहीं है। चुप रहो। ओए ओए विशाल, तेरा वो चले गए, लेके भाग गए। भाग गए लेके। जा भैया, चिप्स चोरी हो गया आपका। हबीबी वेलकम टू। जी तो फाइनली पहुंच ही गए, इतना आड़ा टेढ़ा रास्ता। भैया ऐसी औरत है? औरत है मतलब गांव में घुस गए तो बोल के। भाई उतार उतार उतार, जल्दी उतार भाई, पकड़ पकड़ पकड़, थोड़ा पकड़। और हम छठ पूजा मनाने जा कर रहे हैं वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अब क्योंकि हमें टोटल 160 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, हम ऐसे ही थोड़ी जाएंगे, हम जाएंगे ऐसे ही, यानी कि पूरे जैकेट वैकेट, पूरे गियर और ग्लव्स के साथ। और हाँ, हमने एक नया हेलमेट लिया है श्याम ऑटो से, आइए आपको दिखाता हूँ। जल्दी लाइट चालू करो। ये देखिए, ये हमारा पुराना वाला जी अभिषेक जी, और ये हमारा नया वाला, हम श्याम ऑटो और नया इंटरकॉम भी। हाँ जी, तो हम हो गए पूरे के पूरे रेडी ऊपर से लेके नीचे तक। ये राइडिंग शूज देख रहे हैं आप लोग, ये भी श्याम ऑटो से हमने लिया हाल ही में, क्योंकि सफर के दौरान सबसे जरूरी होते हैं गियर लगाना, बढ़िया जूता। वही ये राइडिंग शूज की सबसे खास बात ये होती है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा शायद, कि आप लोग को जो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ना लोहा लगा होता है यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, मिस्त्री लोग का नहीं होता, उससे भी ज़्यादा हार्ड होता है ये। इससे क्या होता नहीं, जो पैर है ना, कोई गुदगुदी नहीं कर पाएगा इसमें। भाई तो पहन के सोया करो। अब दिमाग हमारा घुटने में नहीं है, फिर भी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है घुटनों में। इस वक्त तो हमजा भाई को याद कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी ट्रिप की हमने हमजा भाई के साथ की हैं, और बैग हमजा भाई ही मानते थे। मेरे बांधने पर उनको भरोसा ही नहीं होता था, मुझे खुद नहीं होता था। हाँ तो हमजा भाई कूली का काम भी तो किया है भाई। अरे चल ठीक है, तू मजे करना अकेले, ठीक है? आ रहा नंदन है ना, सब दिखेंगे। बर्तन दे देना, ठीक है? बर्तन दे दूंगा। तो सारी चीजें हैं लग के तैयार, कैमरा भी हमने चेक कर लिया, चालू है, रिकॉर्डिंग हो रही है, सैडल बैग लग चुके हैं, एकदम तैयार है, रेडी है भाई? Yeah. भाई क्या तुम हम लोग को अलविदा करने के लिए रेडी हो? अरे साले पहले ही भाई बोल रहे। आप लोगों ने ऐसे राइडर्स को सड़क पे चलते देखा जरूर होगा, देखने में मजा बहुत आता है पर दिक्कतें भी उतनी ही आती है, कृपया करके गाड़ी थोड़ा स्लो चलाया करें। जय हो बजरंग बली। भाई का लटक रहा है, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, जय श्री राम। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए और फ्रेश एपिसोड में। सही बताऊं तो ये पूरे महीना ये पहला दिन है कि मैं इतनी जल्दी उठाऊं, क्योंकि आज जाना था छठ महापर्व जो है। छठ महापर्व एकमात्र ऐसा पर्व है पूरे विश्व में जिसमें उगते सूरज की तो पूजा की ही जाती है, साथ साथ ढलते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है। तो अपने आप में एक यूनिक फेस्टिवल है। ये देखिए, सारा जो खाना बनता है ना, या फिर इससे रिलेटेड जितनी भी सामग्री होती है, छठ से रिलेटेड प्रसाद होता है, वो हर चीज नए चूल्हे पे बनता है। देखिए छोटे छोटे प्यारे, वो सभी देवताओं की, और आप कंकड़बाग से हैं और पंचशिव मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर क्या जानते हैं। अब यूं कहें कि हम जिनसे मिलने जा रहे हैं या फिर जिनके घर पे जा रहे हैं, उनसे मिलना और उनके घर पे जाना हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि छठ पूजा आने वाली है और मेरी मम्मी मुंबई में है, और हाल फिलहाल में आप लोग देखते हैं कि टिकट्स मिल नहीं रही है कि आदमी वहां जाके छठ मनाए, पर मुझे रिकॉर्ड करना था और आप लोग को दिखाना था कि किस तरीके से एक्चुअल छठ मनाया जाता है। जो रीलें आप लोग देखते हैं कुछ कुछ सेकंड्स की, उससे कहीं अलग और बहुत ही भव्य और रिचुअल और संस्कृति से भरा हुआ है छठ। तो मैं चाहता था कि आप लोग को सेम वो एग्जैक्ट चीज दिखाऊं, मम्मी आनी है, जाना पॉसिबल हो नहीं पाया, तो हमने चुना कि इनके घर चलते हैं। बिहार के हम कुछ तीन या चार मोटे ब्लॉगर्स को जानते हैं, पहले हैं अपने बिहार की शान आन बान स्ट्रीट बर्नर भाई, दूसरे हैं अपने हमजा मुर्तजा भाई, और तीसरे हैं बिक्की खान भाई फारबेस गन से। स्क्रीन पे आईडी फ्लैश हो रही है, आप लोग चाहे तो जाके फॉलो कर सकते हैं। हम निकले हैं, गाड़ी में हो रहा है नाव, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। दो घंटा तीन घंटा दिखा रहा है, पर एक एवरेज नॉर्मल स्पीड में हम लोग चलाएंगे तो हो सकता है कि ढाई घंटे या दो घंटे में हम लोग पहुंच जाएं। लेट्स सी। इस रास्ते में मैं इससे पहले कभी गया नहीं हूं, पर हाँ राइड हमने की है बहुत सारी। देखो यार किसी की थार है, वाइट वाली है, हमजा भाई तो नहीं है?
गाड़ी सर्विसिंग करवा लो गाइस। नहीं 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 नहीं, हम नहा के नहीं आए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसे नहाएंगे। ओ ओ थार हमने छोड़ दिया पीछे, ओम भो। मेरे ख्याल से अगर 5 साल बाद कोई पटना में लौट रहा है, मतलब जो 1-2 सालों में बाहर गया है, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं कहाँ आ गया। सच्ची कह रहा हूँ, क्योंकि इतने तरक्की कर रहा है ना, इतने तेजी से उभर रहा है ऊपर की तरफ कि लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। ये देखिए कोहरा कितना है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है पुल की कहाँ खत्म हो रहा है, कहीं स्वर्ग में तो नहीं जा रहा। नहीं नहीं भाई, इतना जल्दी नहीं जाना। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, हम यही ठीक है। मम्मी देखेगी तो मारेगी, बोलेगी बोला है ना ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना होता है जब भी ट्रिप पे जाते हैं। नहीं किए मम्मी, सॉरी सॉरी सॉरी। लगता है ये वर्ल्ड ट्रैवलर लग रहे हैं, सारा सामान सब्जी से लेके पंखा बैग हर चीज़ है इनके पास, टेंशन ही नहीं। ओहो चश्मा भी लगाए हुए हैं, दबंग वाला एकदम। यहाँ पे लगभग आधा घंटा हो गया है और हमने 30 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर लिया है। एवरेज हम 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं, जो कि एक ठीक ठाक स्पीड है अगर दो भाई लोग एक गाड़ी पर ट्रैवल कर रहे हैं तो, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। ये देखिए सर लगाए हुए हैं चश्मा और हेलमेट का पता ठिकाना नहीं। सर को कोई बताओ कि रंगदारी चश्मा लगा के कूल दिखने में नहीं, रंगदारी हेलमेट लगाने में। क्या मतलब पेट्रोल की टंकी 8.5 या 10 लीटर की है तो उसको 15 लीटर की कैसे बनाते हैं? तो देखो 5 लीटर का डब्बा लटकाते हैं। सिंगल लेन है यहाँ, हम गाड़ी 50-60 के ऊपर चला नहीं पाएंगे, चलाना भी नहीं चाहते हैं और चलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे बेवकूफ़ बिना हेलमेट के कभी भी कहीं से भी निकल सकते हैं। ओहो किसी के पूरे दहेज का सामान जा रहा है, पता नहीं क्यों, पर यहाँ की गलियाँ देख के ऐसा लग रहा है कि बनारस में आ गया हूँ। आई डोंट नो व्हाई, ऐसी प्यारी प्यारी गलियाँ होती है, धूप निकली होती है, बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए छठ घाट बनने शुरू हो गए हैं, रील में निकाल, इसमें तो मैं निकाल ही रहा हूँ ऐसे। भाई उतार 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 जल्दी उतार भाई, पकड़ 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 थोड़ा पकड़ बताओ। और लड़े अभी तो किससे लड़े, लड़े भी तो किससे, शाहरुख भाई ओ भाई बताइए ठोका भी तो किन्होंने ठोका भाई एक बात बताएं, कैमरा चालू है? चालू गाड़ी जानबूझ के नहीं ठोके हैं। अरे अरे साला साइलेंसर में थोड़े, कहाँ घुमाई हो रहा है? जा रहे हैं पटना, पटना हम जा रहे हैं गोपालगंज, गोपालगंज अभी आएंगे, नहीं गोपालगंज जा रहे हैं ना, सिवान आएंगे तो बताएंगे छठ बिता के। अरे जरूर जरूर जरूर, अरे ऐसे मुलाकात थोड़ी होनी थी यार, छीन रहे हैं भैया। कैसे भैया, बढ़िया मेरा भाई बताइए ठोके भी तो हमारी गाड़ी ठोके सटा दिए, बताइए भाई ने ठोका हमको लगा यार, गिर गई क्या गाड़ी आके, ठोके नहीं मतलब ये बैग में हल्का सा सट गया वहाँ से। चलो ठीक है, एक रेस्ट मिल गया और फिर से निकलते हैं। चाबी तुम्हारे पास है ना? ला हाँ चलिए चलते हैं फिर। हम यहाँ से गुजर ही रहे थे तो हमने देखा, ये देखिए धान की निराई चालू है, शायद इसको निराई कहते हैं। लेट्स गो, मजा आ गया देख के। गाड़ी पे लिखा है हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, टीका लगवा ले कोरोना हार जाएगा। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। कुछ नहीं, मैं मेरे भाई को पैदल नहीं भेज रहा हूँ, बस एक शॉट लेना है ब्रिज पे से गुजरते टाइम का, तो वो गया है वहाँ पे खड़ा होकर रिकॉर्ड करेगा, फ्रेम सेट करेगा, फिर मुझे आवाज देगा। हीरो लग रहा है वैसे मेरा भाई। अरे भैया अब ओवरटेक कैसे करेंगे, कोई रास्ता ही नहीं है। वाह गाइस हमें चिप्स के पैकेट मिले हैं, ये देखो गिर गए दो दो। ओ अंकल, ओ अंकल, वो चले गए लेके, भाग गए, भाग गए वो लेके। श
शिट यार मिस हो गया गाइस, मिस हो गया गाइस, शिट। जा भैया चिप्स चोरी हो गया आपका। वैसे चोरी तो हम करने वाले थे मगर क्या करें। तुमको क्या लगा तुम्हारे ही पास फोर व्हीलर है, हमारी भी गाड़ी टाटा एस की जगह लेती है गाइस। कोई सह परिवार जा रहा है छठ पूजा मनाने। हबीबी वेलकम टू गोपालगंज। जी तो फाइनली पहुंची गए, इतना आड़ा टेढ़ा रास्ता। भैया ऐसी औरत है, औरत है मतलब गांव में घुस गए तो बोल के नहीं घूम के दूसरे रास्ते से आओ। अरे भाई 500 ही मीटर दिखा रहा है तुम्हारा, 100 मीटर यहां से दिखा रहा था, 100 मीटर दिखा रहा था। गूगल मैप पे आप लोग का गांव ही नहीं है। चुप रहो। फाइनली पहुंच गए गोपालगंज, बाकी की तस्वीरें अगले व्लॉग में। सामान सब अच्छे से रख दिया गया, हेलमेट भी हमारा घरे बड़ा सन बागड़ बिल्ला 2-3 गो, तो नीचे अगर सामान रखाएगा तो सारा छीट देगा सब। और हेलमेट में लगे हैं कैमरे और इंटरकॉम वगैरह। दीदी सब अच्छे से सामान सरिया रही है। आप एकदम अच्छे से हैं, आपके जी अभिषेक जी अच्छे से हैं, ठीक है डरना मत, बस मम्मी का 2-3 झाड़ू खा लेना, खा लोगे। हाय बाय बाय बाय। आ रहे हैं अभिषेक जी, मुंह बहुत खोल खोल के खाते हैं ना। अच्छा तो लाज लग रहा है। अच्छा का इतना खातिरदारी के ससुराल में होत हुई का जितना दोस्त के यहाँ होता। विशाल